हिमाचल शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के नियम होंगे तय। शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के नियम तय होंगे। सस्ते तेल के लिए राशन कार्ड अनिवार्य होगा। समारोह के लिए भी सरकार में कोई प्रूफ लिए जाने पर मंत्रणा हो रही है। उपभोक्ताओं को समारोह में कितना सरसों तेल दिया जाना है, इसके भी नियम तय होंगे। बाजार मूल्य से सरसों तेल 20 से 25 रुपए सस्ता मिलेगा। इस तेल पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। बजट सत्र के बाद खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करेगी। अप्रैल महीने से लोगों को सस्ता तेल दिया जाना है। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड हैं। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को आटा, चावल, 2 लीटर तेल सरसों रिफाइंड, 4 में से 3 दालें मलका, माश, दाल चना और काला चना, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो नमक दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सभी खाद्य वस्तुएं सब्सिडी पर दी जा रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि अन्य खाद्य वस्तुओं पर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है। प्रदेश सरकार ने बजट में की है घोषणा। प्रदेश सरकार ने शादी समारोह के लिए उपभोक्ताओं को सस्ता तेल देने का फैसला लिया है। ये तेल डिपो में मिलने वाले तेल के रेट पर ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है।